नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण वाजपेयी आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुजेड हेल्थ ज्ञान का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस रोग के निदान की बात करेंगे वो है हमारे जीभ में छाले पड़ जाते हैं। जो जीभ में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण हमारे जीभ में पेन हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, बोलने में दिक्कत हो जाती है, कई तरह की ऐसी दिक्कतें हो जाती है। और कभी कभी हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारे जीभ में कहीं बड़ी समस्या तो नहीं हो गई है, क्योंकि दोस्तों जब ये समस्या काफ़ी दिनों तक चलती है तो हमें लगता है कहीं कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है। इन्हीं सब बातों पे आज जानकारी देंगे दोस्तों, क्योंकि हम बताएंगे आपको कि इसके कारण क्या होते हैं, हमारे जीभ में जो छाले पड़ जाते हैं वो कैसे होते हैं और इनका क्या कारण होता है जिसके कारण ये पड़ते हैं दोस्तों, और इसका निवारण क्या है। कुछ ऐसे घरेलू इलाज बताएंगे जिनका आप प्रॉपर तरीके से उपयोग करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए दोस्तों। हमारे चैनल पे दोस्तों आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं दोस्तों। जीभ में दोस्तों ऐसे छाले पड़ जाते हैं, कभी गोल वाइट कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं दोस्तों, चट्टे टाइप के, कभी कभी हमारे पूरी जीभ में सफ़ेद कलर की एक लेयर बन जाती है दोस्तों, और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। हमारे खाने पीने यहाँ तक बोलने में दोस्तों हमें दर्द महसूस होता है, और ये पेन इतना अधिक होता है दोस्तों कि हमें भयभीत कर देता है, क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग में बात आ जाती है कहीं हमारे जीभ में जो छाले और दाने हैं वो कहीं कैंसर का रूप तो नहीं है। अब इनके कारण समझते हैं, किन कारणों से ये हमारे जीभ में छाले पड़ते हैं। दोस्तों जब कभी हमारे जीभ में चोट लग जाती है, कभी खाते वक्त लग जाती है दोस्तों, या दोस्तों कभी कभी और किसी कारण से हमारे जीभ में चोट लग जाती, कभी हम ब्रश करते वक्त भी हमारे जीभ में चोट लग सकती है, उसके फलस्वरूप ही हमारे जीभ में दाने या छाले पड़ सकते हैं दोस्तों। और एक कारण होता है हमारे खान पान के द्वारा, हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसके द्वारा हमारी जीभ में एलर्जी हो जाती है और वो लाल कलर के चट्टे पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं दोस्तों, वो भी एक कारण होता है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, और उन विटामिन्स की कमी के कारण भी हमारे जीभ में दाने या छाले पड़ जाते हैं दोस्तों। और चौथा कारण दोस्तों होता है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों हमारे मुंह में, जिसकी वजह से हमारे जीभ पे इसका असर पड़ता है और ये दाने या छाले पड़ जाते हैं। अगर ये छाले साधारण हैं तो आप समझ लीजिए जो कारण हमने बताए हैं, अगर उनके द्वारा ये छाले मुंह में पड़ रहे हैं तो 15 से 20 रोज़ या अधिकतम एक महीने में ये आपको साधारण इलाज से ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये छाले आपको 1.5 महीने तक भी सही नहीं हो रहे हैं तो आपको बिना देरी किए हुए अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए। नंबर दो कारण दोस्तों है, इनमें अगर आपको पेन होता है तो आप समझ जाइए, पेन होता है दोस्तों तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई कई ऐसे छाले होते हैं, कई ऐसे दाने पड़ जाते हैं दोस्तों, वो दाने पड़े भी रहते हैं और पेन भी नहीं करते हैं दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर आपके जीभ में ऐसा कोई दाना या छाला पड़ा है जो दर्द नहीं कर रहा है और काफ़ी दिन हो गए हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका प्रॉपर इलाज कर लिए दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों जिन कारणों को मैंने बताया है, अगर उन कारणों से आपके जीभ में दाने और छाले पड़े हैं, उनके इलाज के लिए दोस्तों कुछ घरेलू उपाय हम बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। नंबर एक चीज़ दोस्तों होती है बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा जो होता है वो आप 1 कप पानी में 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए और इसको मिला लीजिए और गुनगुना कर लीजिए दोस्तों। इस गुनगुने पानी से आपको इससे कुल्ला करना है, यानी आपको जीभ में इस पानी को रोकना है, 10 से 15 मिनट रोकने के बाद इस पानी को बाहर कर दीजिए दोस्तों। ये प्रक्रिया आपको 3 से 4 बार करनी हो, और ये सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है दोस्तों। आप ऐसा करेंगे दोस्तों आपके दाने या छाले जो भी जीभ में होंगे ये आपको 5 से 7 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। नंबर दो दोस्तों, बहुत ही सॉलिड इलाज बता रहे हैं आपको, शहद और हल्दी का प्रयोग। दोस्तों 1 चम्मच शहद ले लीजिए, 1/2 चम्मच हल्दी ले लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए दोस्तों, और जहाँ पर आपके दाने पड़े हुए हैं उन दानों पर दोस्तों, उन छालों पर इस पेस्ट को लगा लीजिए, और लगाने के बाद छोड़ दीजिए दोस्तों।
और अगर रात में लगाते हैं छोड़ दीजिए, सुबह आप कुल्ला करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कुल्ला करके ही सोना है तो आप कम से कम 20 मिनट तक इनको लगा रहने दीजिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत ही सॉलिड इलाज होता है दोस्तों, आपको पहली खुराक में इसका असर मालूम हो जाएगा, आपको दानों में आराम मिल जाएगा दोस्तों। नंबर 3 इलाज है सेंधा नमक दोस्तों। सेंधा नमक दोस्तों आपको एक चम्मच लेना है, एक गिलास पानी में इसको मिला के गुनगुना करके इससे भी आपको कुल्ला करना है दोस्तों। सेंधा नमक दोस्तों हमारे दांतों के लिए, हमारे मुंह के लिए एक बड़ी औषधि होती है, बहुत ही अच्छा इलाज होता है दोस्तों। ये हमारे दांतों को भी मजबूत करता है, साफ़ करता है दोस्तों, और हमारे जो मुंह की गंदगी होती है दोस्तों, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको एक गिलास पानी में आधा चम्मच या एक चम्मच सेंधा नमक लेना है और इसको मिला के गुनगुना करके तब कुल्ला करना है दोस्तों। ये प्रक्रिया आप सुबह शाम करेंगे तो आपको पूर्ण आराम मिलेगा इसमें दोस्तों। नंबर 4 दोस्तों, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल दोस्तों। नारियल का तेल भी दोस्तों एक एंटीबैक्टीरियल होता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो हमारे बैक्टीरिया मुंह में होते हैं जिनके कारण ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो आपको नारियल तेल को लेना है और एक कॉटन के सहारे अपने जीभ पे लगाना है दोस्तों। आप इसको जीभ को लगाने के बाद लार को दोस्तों बाहर करना है, 10 से 15 मिनट आपको ये करना है दोस्तों। जब आप 10 से 15 मिनट ऐसा करेंगे और अपनी लार को बाहर करेंगे दोस्तों, जो भी आपके मुंह में और जीभ में बैक्टीरिया होगा वो बाहर हो जाएगा और आपको पहली खुराक में आराम दिखना मालूम हो जाएगा दोस्तों। और 3 दिन ऐसा कर लेंगे तो जड़ से समस्या ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इन 4 उपायों को याद करिए और इनका प्रयोग करिए, आपके जीभ में जो दाने छाले और इन्फेक्शन होता है उससे जड़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए रोग के निदान के साथ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं, नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।